उसके बाद जिसके रोकना है आपने रोकना ए चल फोन वाइबो। अस्सलाम वालेकुम आप फ्रेंड, कैसे आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत होंगे। अब मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट। आपको जस्ट पैक का मसला है, जस्ट का मसल गेन नहीं हो रहा, बिल्ड का मसला है, ऐप का मसला है, लेफ्ट का मसला है, आपको जितने भी मसले हैं। और ये वर्कआउट लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। आज हम कर रहे हैं जस्ट का फैट बर्न करने का और साथ में गेनिंग का, टू इन वन। अरे भगवान कौन सा है, जस्ट का इसका फैट है बहुत ज्यादा, ये कम करने की एक्सरसाइज करेगा और तो फिर गेन करना है इसका, जस्ट का जो मसल है वो गेन करेंगे। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और आगे से आगे इसके लिंक को शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें यार। और आज हम स्टार्ट करते हैं जस्ट का वर्कआउट, आइए मेरे साथ। जस्ट का वर्कआउट जो था स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पोलो लगानी है, कोई चीन लगाता है, कोई पुशअप लगाता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने लगा आप उसी तरह करना है। तो इन्हें गेनिंग करना है और ये 10 रैप लगाएगा। और पुल डाउन कैसे लगानी है मैं वो भी आपको बताने लगा और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा और आपने इसी तरीके से लगाना है। अक्सर 200 के करीब बहुत बाहर से पकड़ लेते हैं, नहीं आपने इतनी बाहर से नहीं पकड़ी और आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो आगे की तरफ। 1 2 3 और स्लो लगा दें। 4 5 6 7 8 9 10 अप। अच्छा तो इन्हें बड़े इजी लगाए हैं और इसमें गेनिंग करना है तो ये इस पर वेट ऐड करेगा। मैं सिर्फ आपको वन वन सेट बताऊंगा लेकिन आपने 3-3 सेट करना है, इसमें आपने वेट ऐड करना है। अरे जो मैंने बताया वो गेनिंग का था, अब जो है फैट लॉस के लिए है। ये अरबगाने का फैट लॉस करना है चेस्ट का, तो सबसे पहले पुल डाउन किस तरह लगानी है देखिए। आपने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा पड़ जाओ। 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। सबसे पहली बात, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 20 या 25 लगाएं, और अगर आप गेनिंग करना चाह रहे हैं तो 12 लगा लें, 10 लगा लें, 8 लगा लें, लेकिन आपसे खुद लगे। और जो हेल्प लेनी आप 4 ले सकें, 5 की हेल्प ले सकें, इससे ज़्यादा आपने हेल्प नहीं लेनी। फिर आप देखें आपका जस्ट का फैट कम होगा और जस्ट का जो सा साइज है गेनिंग होगा। मैं दोबारा बताने लगा कि हम 2 in 1 करें एक्सरसाइज, एक फैट लूज के लिए और एक गेनिंग के लिए। अब हम स्टार्ट करने लगे जस्ट का वर्कआउट और सबसे पहले तकीर को लगवाऊंगा ताकि आपको पता लगे गेनिंग किस तरह करना है। सबसे पहले जो सेट लगाना है हमने वो बेंच प्रेस है, और बेंच प्रेस किस तरह लगाना है, 100 में से 75% लोग इसको गलत ही लगाते हैं। आज आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा गेनिंग के लिए आपको कितने रैप लगाने हैं और फैट लूज के लिए और कितने रैप लगाने हैं। और अभी वेरी गुड। 1 1 2 3 कमान फुल नीचे जाओ। 4 वेरी गुड। 5 कमान सन। 6 चल 7 कमान। 3 more 2 more कमान। 1 more अच्छा आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना कि आपने फुल नीचे जाना है और फुल ऊपर आना है। अक्सर दोस्त देखते हैं कि क्या होता है जिनमें हाफ लगा रहे होते हैं, आपके मसल पे जोर ही नहीं आता, इसलिए आपका जो मसल होता है एक जगह पे हार्ड हो जाता है, वो गेनिंग नहीं करता, गेन ही नहीं होता। तो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है और अरमगान लगाएगा। अच्छा अब जस्ट का मैं लगाने लगा हूँ सेट, ये फैट बर्न के लिए है जिनका जस्ट पे बहुत ज्यादा फैट है, अक्सर लोग असली वाली जस्ट पे बहुत चर्बी है, तो हम इसको किस तरह कम करें। तो आप जो बताने लगा ये जस्ट फैट कम करने के लिए और ये 20 लगाओ या 25 तक लगाओ, इससे कम आपने नहीं लगाना। कम ऑन शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 kg इस पे ऐड करना है।
ताकि आपसे 20 बहुत मुश्किल से लगे। और अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो आपके 10 रैप बड़े इजी लगे तो आपने उसमें भी वेट ऐड करना ताकि 10 आपसे मुश्किल से लगे। मैं सिर्फ 1-1 सेट बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर 2-2 सेट करना है वो 100% गारंटी है आपकी जस्ट दिनों में बढ़ना शुरू हो जाएगी। करके देखिए जो सेट लगाना है वो इंक्लाइन बेंच है, और इंक्लाइन बेंच किस तरह लगाना है और किस तरीके से लगाना है मैं प्रॉपर आपको एंगल बताऊंगा। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जब इंक्लाइन लगाते हैं तो जस्ट लेने के बजाय यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे नहीं आपने लेकर आना, जस्ट लेकर आओ। जब उठाना है तो फेस के पास राड ना आए आपका, आपका राड सिर्फ आपकी चेस्ट के पास आना चाहिए। और एंगल किस तरह लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, और बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये 2-in-1 है। तो की जो सा साइज गेनिंग कर रहा है और अनुभवान जो सा वो फैट लूज कर रहा है, तो इस पे ध्यान देना है कि आप ये ना करें कि गेनिंग में आप फैट लॉस वाला करने लग जाए और जो सा है फैट लॉस में गेनिंग वाला करने लग जाए। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, और ग्रिप यहाँ से करनी है, निशान इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि निशान किस निशान से पकड़ना है। और बिल्कुल चेस्ट पे लेके आना है, चलो 1-1 आगे रखो, आगे 2-3-1-4-5-6-7-8 come on, 2 more, 9 1 more, you guys come on, chal, very good, chalo ab hum fat loss ke liye lagane lage hain sir, aap dhyan dena hai jiska lazmi hai, isliye keh raha hu baba 2-in-1 just work out, come on, very good, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 more, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 more, 5 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 more
मुकम्मल हुआ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं वन मंथ सेट बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपने थ्री थ्री सेट करने हैं। आज चेस्ट का तीसरा सेट है और चेस्ट प्रेस करना है, और चेस्ट प्रेस का मतलब ये होता है कि आपने चेस्ट को पूरा पीछे लेके जाना है और पूरा आगे लेके आना है। आप जितना प्रेस करेंगे उतनी अच्छी आपकी चेस्ट बनेगी। अक्सर दोस्त होते हैं क्या करते हैं, हाफ लगाना शुरू कर देते हैं, ये गलत एक्सरसाइज है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपकी बिल्कुल सही एक्सरसाइज है। इसी तरह एक्सरसाइज करें, फिर देखें चेस्ट का फैट हो या चेस्ट गेनिंग करनी है, तीनों में गेन होना शुरू करके देखें। ये आपने ग्रोथ फील करनी है। अक्सर दोस्त बहुत बाहर से पकड़ लेते हैं, नहीं उससे आपका मसल का एंगल खराब हो जाता है। आपने ऐसे नहीं करना, वन टू पूरा प्रेस करना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टू मोर वन मोर शाबाश 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 यस। तो तीन से बहुत इजी लगे, लेकिन इसका काम बनता है कि इसके बाद ये फाइव के जो और इसमें ऐड करें ताकि इसके मुश्किल से लगे। और ये चेस्ट का प्रेस जो सा लगाने लगा फैट बर्न के लिए, आपके चेस्ट में जितना फैट है जितनी चर्बी है वो कम होगी। कमान वन और फिर टू थ्री स्लो फोर फाइव सिक्स सेवन पूरा प्रेस करना आपने, एट नाइन कमान टेन इलेवन स्लो 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 ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फाइव मोर फाइव मोर फाइव मोर फोर थ्री टू मोर कम ऑन कम ऑन यस 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 वन मोर ये चल कम ऑन यस। अर्मगान से लास्ट वाले सेट जो से काफी मुश्किल से लगे हैं, तो इसका काम नहीं बनता कि वेट और ऐड करें क्योंकि इससे लगे हैं नहीं, इसलिए कम से कम 20-25 आपने लाजमी लगाने ताकि आपकी मसल के अंदर तक आपको पावर जाए और आपको बॉडी जो से मसल है एक्टिव हो ताकि फैट बर्न होना शुरू हो जाए आपको। जो सेट है बटरफ्लाई है, तो अक्सर इसमें भी दोस्त बड़ी गलती करते हैं। तो आपको बताऊं कि सबसे पहला जो एंगल है वो आप बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल बंद करना है। अक्सर दोस्त होते हैं लेग्स ओपन कर लेते हैं, खींच रहे होते हैं, नहीं ये गलत एंगल है। और आपको जिस तरह मैं बता रहा हूं इसी तरह आपने करना है, और कोशिश करिए कि आप बाजू से ऊपर की तरफ जाए, ये नहीं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। यस और यस चलो वन और रोकना आप आगे आगे टू थ्री यस फोर फाइव सिक्स सेवन
1, 5, 5, 8, 9, 10. Two more. One more. Yes. बहुत ज़्यादा इजी लगे हैं, आसानी से लगे हैं, तो इसका काम बनता है कि पिन को बढ़ा लें, एक पिन बढ़ा लें या दो पिन बढ़ा लें। और आपने ये क्वेश्चन करनी कि बिल्कुल आप स्ट्रेट देख रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट स्लो स्लो लगा रहे हैं। 6, 7, 1, 8, very good, 9, 10, 10 more, 10 more, 10 more, 9, 8, शाबाश, 7, 1, 1, 1, 6, 5, 5, 5, 5, stay there, yes, 4 more, 3, 2 more, 2, yes, 1 more, yes। अच्छा, अगर भगवान से भी इजी लगे तो कम से कम एक पिन ये भी बनाए या दो पिन बनाए, जितनी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपसे 16-17 खुद लगे, आपने हेल्प के बगैर नहीं। अक्सर मैंने दोस्त देखे हैं और लोग कहते हैं कि हार्ट एक्सरसाइज करें तो वो इतना वेट डाल जाते हैं, तो उनसे एक लैप खुद भी नहीं लगता, दो भी लग जाती है। कम से कम आपसे 7 से 8 खुद लगे, वो आपकी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब जो मैं आपको सर बता रहा हूँ, नॉस पेपर आपको बहुत ज़्यादा एंगल मिलते हैं कि इस तरह लगा लो, इस तरह लगा, लेकिन जो परफेक्ट एंगल है वो आपको बताने लगा। और ये भी तो कि 10 या 12 लगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे गेन करना है जस्ट को। और अरमान जो है वो 25 या 20 लगा सकता है, क्योंकि उसमें अपना फैट बर्न करना है। और नॉस पेपर किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि ये जो सा चीज के लिए बना हुआ है इसके सेंटर में आपने आना है, अपना सेंटर बनाए और बिल्कुल चेस्ट के बाद जिस जगह रोकना है आपने रोकना जरूर है। 2 रोक दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12 अप। अब तकीर इससे ज्यादा वेट ऐड करेगा, क्योंकि तकीर से बहुत इजी लगा है। और अरमान इन्होंने 20 लगाने या 25 लगाने से कम नहीं लगा सकते। और लाजमी आपने आगे स्टे करना है ताकि आपकी चेस्ट का मसल बनना शुरू हो जाए। 3, 4, 5, 6 फुल पीछे ले गया, 5, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा पीछे, 13, 7 more, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 more, up। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल होते हैं कि आप इस तरह लगा सकते हैं, उस तरह लगाते हैं, सारे एंगल ठीक हैं, लेकिन बेस्ट एंगल जो है ये वाला। और इसी में एक और एंगल से लगती है एक्सरसाइज, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह लगानी है वो आपने।
टू शाबाश थ्री फोर फाइव स्लो सिक्स कम ऑन सेवन तकरीर से काफी मुश्किल से लग रहे हैं एट कम ऑन वन वन नाइन वन मोर चले ये तो तकरीरें लगा रही है और मैं भगवान के लिए मैं आपको थोड़ा करना स्टेट ये जिनकी कमर में दर्द होता है अक्सर उनसे लगता नहीं है पुल ओवर तो उनके लिए ये एंगल है और इसको इस तरीके से लगाना है पाँव आपने आगे से क्रॉस कर दिया चले कम ऑन वन बहुत अच्छे टू शाबाश 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 आदमी खोल ले थ्री फोर वेरी गुड फाइव सिक्स बिल्कुल स्लो जाना स्लो आना आपने सेवन एट नाइन टेन इलेवन कम ऑन ट्वेल्व एट फोर सेवन सिक्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फाइव मोर फाइव मोर फाइव मोर आज 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 फोर थ्री कम ऑन टू मोर वन मोर छोड़ दो अच्छा इसी तरह आपने चेस का वर्कआउट करना है हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें और इंशाल्लाह इसी तरह का ऑल वर्कआउट आपके लिए लेके आ रहा हूँ आपको बैली का मसला है आपको हिप्स का मसला है लेग का मसला है और लेडीज के लिए बहुत ऐसी एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं तो अगर वो जिम में नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं अपने घर पे इजी कर सकते हैं जो लोग जिम में नहीं आते अभी तो जिम की एक्सरसाइज बता रही है इंशाल्लाह आगे आगे आपको का होम वर्कआउट भी बताऊँ आप ऑफिस में है घर में है कहीं भी है आप एक्सरसाइज कर सकेंगे भाई को दुआ में याद रखें और मेरा बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए खुदा हाफिज़